आपको देख रहे हैं लोग, कब देखेंगे जब आप फेमस होंगे। 95% आज यूट्यूब पर ब्लॉगर फेमस वही है। हे गाइस, तो हम लोग पहुंचे हैं 1090 चौराहा और यहां पे मिलने वाले हैं टेक चैंपियन सर से, और आज हमारा उनके साथ में मीटअप है, तो चलते हैं टेक चैंपियन सर से मिलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में बहुत सुना है और फाइनली ऐसा हो पाया है कि मैं उनसे मिलने आ गई हूँ और मैं 1090 पे हूँ इस टाइम पे, और सर हैं वहाँ नदी के किनारे, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे। और यहाँ पर हमारे एक छोटे यूट्यूबर भी मिल गए हैं, आयुष विद ऑल एक्टिविटी, जो 1.5-2 साल से व्लॉग बना रहे हैं। तो आप कुछ बताना चाहेंगे अपने चैनल के लिए? तो दीदी को और भैया को सब्सक्राइब करो, भैया की वीडियोस को लाइक करो, सब लोग मिलकर लखनऊ को आगे बढ़ा रहे हैं और सब लोग अभी टेक चैंपियन सपोर्ट सर के मीटअप में आए हैं एंड मैं वहाँ से तो वापस आ गया, मुझे बहुत मजा आई और आप लोग वीडियो को पूरा एंजॉय करना और मजे करना वीडियो देख। थैंक यू भाई, थैंक यू। बिल्कुल गाइस, तो गाइस चलते हैं नीचे, काफी चलना पड़ रहा है पर कोई बात नहीं, मौसम काफी अच्छा तगड़ा वाला और नजारा तो काफी मस्त है यार। तो गाइस चलते चलते करीब आधे घंटे हो गए हैं वहाँ से घूमते घूमते से, और अब हम लोग को वहाँ जाना है वहाँ। तो गाइस हम लोग जाने वाले हैं तारों के नीचे से, जैसा कि आपने किसमें देखा था, बजरंगी भाईजान में देखा था। तो अब हम लोग पार हो गए और अब हम लोग टेक चैंपियन सपोर्ट सर के रेंज में आ गए हैं। तो गाइस ऐसे उतर के चलना पड़ेगा आराम से, और ऐसे उतर के जाना पड़ेगा इधर से। तो गाइस हम लोग लगभग पहुंचने ही वाले हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए नीचे और हालत पूरी खराब हो गई है, पर कोई नहीं, सर से तो मिलना ही है और रमन भाई, एसपी भाई, मैडम भी आ ही रही हैं। और गाइस मीटअप उधर हो रहा है और यहाँ पे भीड़ लगी है, काफ़ी भीड़। तो चलते हैं और मुलाकात करते हैं टेक चैंपियन सर से, और ये ऊपर फ्लाईओवर है गोमती नदी का और इधर गोमती नदी, और प्रिंस भाई यहाँ से मुलाकात हो रही है। ओ भाई मिस्टर मेंटर शॉट, ओ भाई आप भी। सो गाइस आ गए टेक चैंपियन से मिलने के लिए और इतना अच्छा मौसम हुआ है कि यहाँ पर आंधी तूफान एकदम आया हुआ है, और पीछे भी आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर आए हुए हैं, और ये आंटी है, इनकी बेटी आई हुई है, आंटी अपनी बेटी को सपोर्ट कर रही है। मेरा एक क्वेश्चन है, ग्रो होना है तो क्या करें, मतलब एक एक वर्ड बताइएगा। ग्रो होना है तो क्या करें, मतलब कंटिन्यू रखना सही है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, स्मार्ट दोनों जरूरी है आज की डेट में। हार्ड वर्क ही करते रहे, स्मार्ट नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगा। अगर क्या नाम है, अब स्मार्ट वर्क में लग गए, स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क किए नहीं, तो भी नहीं ग्रो पाए। दोनों चीज मिक्सअप लेके चलिए, जैसे हमने किया है। ज्ञान तो कभी सभी लोग देते हैं, आज भी काफी सारे लोग देखे, आप लोग हमें क्यों देख रहे हैं, तो कुछ चीज होगी ना, जो डरा देखना पड़ता है। 400-500 लोग जब एक साथ नई चीज को देखेंगे तो उसको तो ऑटोमेटिक बूस्टअप मिलेगा ना, यूट्यूब तो वैसे चलता है ना, फिर भी आर्ट तो है ना, समझिए मैंने आपसे सीखा था, 6,000 व्यू गए थे मेरे लुलू मॉल वाले पे। अच्छा अच्छा, वही चीज है, कुछ चलता है। और प्रिंस भाई तो लखनऊ में छा गए थे उस टाइम, लखनऊ वाले जानने लगे होंगे। नुकसान देखिए यहाँ पर ये है, काफी लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हार्डवर्क और सॉफ्टवेयर जो है स्मार्ट वर्क नहीं किया तो उनके साथ नुकसान हो जाता है, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम निकल जाता है। जैसे इस समय जो ब्लॉगिंग वाले हैं ना, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 100% में से 98% लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग में, ठीक है, ब्लॉगिंग करने वही कर रहे हैं। कैसे सर, मतलब क्या रीजन, आप बताएंगे रीजन, मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि ब्लॉगिंग में आप कुछ ही लोग ग्रो होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं साथ ही साथ अगर आप दूसरा चैनल खोल लेते हैं जहां पर आप
कुछ लोगों को सिखाते हैं, ब्लॉगिंग नहीं, ये एक हो गया आपका, आपको देख रहे हैं लोग, कब देखेंगे जब आप फेमस होंगे। 95% आज यूट्यूब पर ब्लॉगर फेमस वही है जो पहले से पहले कहीं मुकाम हासिल किया है, कहीं या तो उनका टिकटॉकर्स है, कोई रील्स स्टार है, या फिर फेस वैल्यू बना हुआ है, फेस वैल्यू बना हुआ है। ठीक है, सौरभ जोशी भी ऐसे नहीं आ गया, वो उसके पास चैनल ऑडियो था, वहां से शेयर करके आए। मनोज दे भी ऐसे नहीं, वहां से शेयर कर करके आए। योगी जी भी आज अपनी चैनल के वीडियो लिंक शेयर करते हैं क्योंकि पहले से प्लेटफॉर्म है। हुक टॉक को जल्दी क्यों खड़ा हो पाया, क्योंकि मेरे पास बैकअप था, टेक चैंपियंस के थ्रू मैंने उसको तुरंत बूस्ट दिया, प्रमोट किया जाके, तो जाके तुरंत ऑडियंस उधर आ गई, तो वो चीज हुई ना। आज की डेट में आपको इंतजार एक साल कराइए, एक साल का इंतजार करेंगे आप, मैं आप एक दो महीने तो चलो ठीक है, तीन महीने चार महीने मेहनत कर सकते हैं आप दिल लगा के, इसके बाद एक साल तक कंटिन्यू का काम कर पाइएगा, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रिंस भाई कुछ टिप्स एंड ट्रिक हमें दे दीजिए ब्लॉग के लिए, थोड़ा सा पहले तो मैं ब्लॉगिंग करने में थोड़ा नर्वस फील करता हूँ कैमरा फेस करने के लिए। मुझे मैं बताऊंगी मुझे प्रिंस भाई से सिर्फ ये जानना है कि लूलू मॉल में ऐसा कौन सा लूलू मिला जो इनके लाखों में व्यू गया है। लूलू नहीं मिला, टाइमिंग का सब खेल है। आप ब्लॉगिंग करके निकले हो, मैं पीछे से गई हूँ ब्लॉग करने, मुझे देखी, हाँ मैंने देखा आप आगे आगे चले गए, मैंने कहा चलो ठीक है ब्लॉगिंग सेम टाइम पे हुई है, बट इनकी इनकी वीडियो जितना रीच करिए इतना रीच करिए तो लूलू का लूलू इन्हीं को देखे, आप ही लोग बढ़ाए हुए हैं पहली बात तो, सभी लोग जाके सब्सक्राइब करो। मैम यार मतलब क्या है यार, इतना मेहनत करता कोई आदमी वीडियो बनाता है और हम लोग तो 9 to 5 जॉब वाले हैं, उसके बाद दौड़ दौड़ के वीडियो बनाते हैं। जॉब करते समय फिर के बाद वीडियो बनाना बहुत ही बड़ी बात होती है यार, जाके सब्सक्राइब करो सबसे पहली बात तो, और देख कमेंट तो मारा ही करो पहले। सो गाइस हम लोग मीटअप में ऐसे ही मस्ती करते हैं और आप देख रहे हैं कि बारिश हो ही जा रही है कंटिन्यू, अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो मौसम काफी अच्छा हो गया है और बारिश मेरे मुंह में घुस जा रही है। सो गाइस जो मैं आंटी की बात कर रही थी उनकी बेटी ये है, आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है लाडो सुनीता वर्ल्ड। तो जैसा कि मेरे चैनल का नाम है प्रिया सुशील वर्मा, हम लोग एज अ कपल अपनी लाइफ आपके साथ डेली ब्लॉगिंग शेयर करते हैं, वैसे ये अपनी मम्मा के साथ में सारी अपनी ब्लॉगिंग शेयर करती हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। मम्मी के साथ भी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आंटी से पहले मिल ली और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग फोर्स करते हैं बच्चों को, नहीं पढ़ाई करो यूट्यूब नहीं करना है, बट मैंने पहली बार ऐसे पेरेंट को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे देख के। आप बहुत लकी हो, सीरियसली आप बहुत लकी हो। दीदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, दीदी को खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए जैसे कर रहे हैं। सो फाइनली गाइज यहाँ पर मीटअप होता है खत्म और ये हमारे टैक्सर हैं जो कि वापस जा रहे हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने हमें सपोर्ट किया और यहाँ पर काफी और भी यूट्यूबर मिले जैसे कि ये मैम है। सबको एक दूसरे को सपोर्ट करें जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो फैमिली सबको एक दूसरे को सपोर्ट करे, सर की तरह जो हमसे छोटे हैं उनकी हेल्प सर बस मिल रही है। सच में सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने मेरे हर एक कमेंट में सर यही रहता है कि आप जैसा कोई नहीं, मैं जब भी कमेंट आपकी वीडियो में नहीं ऐसा तो नहीं है रियली में सर हमारे जैसे तमाम सर डेढ़ साल टकला कर देंगे हमारे जैसे बचाएंगे सर बहुत अलग की बात है। चलिए हमें भी जाने दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलने दीजिए हमको भी, टाइम हो रहा है, माता जी चलने दीजिए, ठीक है चले चलते हैं। सो गाइस मीटर यहाँ पर होता है एंड आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है जिसकी हमें बहुत जरूरत है गाइस। तो प्लीज आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर सलमान खान तो नहीं बनना है सलमान खान तो ना बनेगा।